हेलो एवरीवन, दिस इज डीपी सिंह फ्रॉम एजुकेट एकेडमी एंड ओवरसीज स्टूडेंट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है साडे लई भी ते साडे स्टूडेंट्स लई भी। आज इना दा स्टडी वीजा जर्मनी अप्रूव होया है विदाउट आयल्स ते विद स्टडी गैप। ते जे तुसी भी चाहते हो अपना वीजा अप्लाई करना साडे थ्रू ते सानू तुसी डायरेक्ट साडी ब्रांचेस विजिट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो या साडे नंबर्स ते डायरेक्टली तुसी कॉल कर सकते हो। अज एक होर असी सक्सेस स्टोरी तुहाडे सामने लैके आ रहे हैं, यह है पंकज जी। तो विदाउट आयल्स विद स्टडी गैप असी इन्हों का जर्मनी का वीज़ा ग्रांट करवाया है, तुसी देख सकते हो इन्हों का वीज़ा। तो पंकज जी, तुसी थोड़ा जिहा अपनी प्रोफाइल बारे दसो कि तुसी प्लस टू कदों की थी। मैं 2012 में अपनी प्लस टू कंप्लीट की, उस तो बाद मैं बीटेक में एडमिशन ली कंप्यूटर साइंस। ओके, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स करके मैंने 3 साल ज़्यादा लग गए अपने बीटेक कंप्लीट करने। मतलब बीटेक तुहानू कंप्लीट करन नू टोटल किन्ने 7 ईयर्स लग गए? 7 ईयर लग गए थी। ओके, तो स्टूडेंट्स कई बार ये हो जाता है कि कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि टाइम नाल उन्हां दा जिहड़ी बीटेक है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, पर तुहानू भी निराश होने की लोड़ नहीं है। क्योंकि जे प्रोफाइल नूं चंगी तरह SOP च या फाइलिंग च प्रॉपर इनू एक्सप्लेन किया जाए तो असीं तां वी वीज़ा तुहाडा ग्रांट करवा सकते हैं। तो पंकज जी, तुसीं ये दसो कि जदों तुहाडी बीटेक कंप्लीट हो गई तो तुहानू मतलब एक्सपीरियंस तुहाडा की सी कि उस तो बाद तुहानू लगता सी तुहाडा वीज़ा लग जाएगा, या तुहानू उस तो बाद की तुसीं उम्मीद कर रहे सी अपनी लाइफ तो, या अगे की ओपरचुनिटी तुसीं अपने लिए देख रहे सी? मैं उस तो बाद बाहर जाने की ओपरचुनिटी देख रहा सी, बट मैं कई जगह ना अपना वीज़ा लगाने की कोशिश की, पर हर जगह मैंने निराशा ही मिली। मैंने मेरे एक फ्रेंड तो ही पता लगे जी तेरे बारे, जो थोड़े थ्रू ही 1 साल पहला बाहर गया सी, उन्हें मैंने दसा कि अगर तेरा किसी काम नहीं बन रहा तो मैं एजुकेयर विजिट करा थोड़े को। उस तो बाद मैं एजुकेयर गया, सर को मिलया, तो उस तो बाद इन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, तो 1 महीने में मेरा वीज़ा आ गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सा मेन मोटिव ये कि जे तुहाडा स्टडी गैप है या तुहानू स्टडी करदे आ कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है, मेनली जिवें मैं तुहानू कहा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कोई दिक्कत आती है, पर असी तुहानू एज अ कंसल्टेंट मैं तुहानू वीज़ा विच कोई तुहाडी दिक्कत नहीं आन दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट से ही जानते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स में जर्मनी का इतना ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, तो कामिनी जी, आपने जर्मनी एज अ स्टडी डेस्टिनेशन क्यों चूज़ करी है? पहले तो ये इसलिए चूज़ करा है मैंने जर्मनी कि मेरे को आयल्स का नहीं जरूरत नहीं पड़ी, मेरा काफ़ी टाइम बच गया। और दूसरा ये कि जो मेरे को कोर्स मैंने लिया था उसकी मतलब मेरे को मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है उधर जॉब के लिए, और बहुत अच्छा है। तो आपको फीसिस में क्या फ़र्क लगता है कि जर्मनी में आपको फीसिस हायर साइड पे हैं या कम है, या फिर ओवरऑल, क्योंकि एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जो है वो स्टूडेंट्स में ज़रूर देखा जाता है, क्योंकि फीसिस हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो नॉर्मली स्टूडेंट वही प्रेफर करते हैं कि अगर उनको सेम कोर्स दूसरी कंट्री में अगर कम फीस में मिले तो ऑब्वियसली वो बेटर होगा। तो जर्मनी में आपको फीसेस अफोर्डेबल लग रही हैं या ज़्यादा लग रही हैं? मैंने बाकी कंट्री में रिसर्च करी और उस अकॉर्डिंग मेरे को जर्मनी की जो मतलब फीस स्ट्रक्चर है वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने जर्मनी के लिए चूज़ किया। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपने रिव्यू सुने कुछ के स्टूडेंट्स आजकल जर्मनी जा रहे हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं? तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विदाउट आयल्स जाने का, क्योंकि इससे आपका टाइम और आपके मनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो जर्मनी जो है वो आपका सेव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको और कोई इंक्वायरी है तो डायरेक्टली हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करो या हमारी ब्रांचेस विजिट करो। थैंक यू।